हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट लोग के मन में डाउट थे कि इस कोर्स को किस तरीके से कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इस कोर्स की फी क्या होती है, एडमिशन प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल प्लेसमेंट क्या होता है, इंटर्नशिप वगैरह क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए हमारी सिलेबस क्या होती है, हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो बहुत सारा डाउट था, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड। तो शुरू से लेकर आगे तक बने रहो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अंदर में आप लोगों को 8 सेमेस्टर आते हैं। वहीं पर अगर मैं बात कर दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को 12th में किसी भी बोर्ड से आप 12th किए होने चाहिए, आपको 12th 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और 55% मार्क्स एटलीस्ट इंग्लिश होने चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे मार्क्स की जो क्वालिफिकेशन है, वो जो डिमांड है, वो आप लोगों को डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। अगर आप जितना अच्छा से अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले जाते हो, तो उस कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे 12th की परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है यहाँ पे इस कोर्स के लिए, तो वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर में, ठीक है। तो आप जितने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, उसकी उतनी अच्छी खासी प्लेसमेंट होगी, जिन उसकी क्राइटेरिया जो होगी उतनी थोड़ी टफ होगी, मीन्स की 12th में परसेंटेज उतनी हाई आप लोगों की मांगी जाएगी, आप लोगों के इंग्लिश की जो मार्क्स है वो थोड़ी हाई मांगी जाएगी। जस्ट लाइक अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ही थोड़ा टफ होगा, थोड़ी अच्छी डिमांड होगी उस चीज की। वहीं पे अगर किसी आप एवरेज कॉलेज में आते हो, तो वहाँ पे एवरेज कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है 12th की परसेंटेज, वो एवरेज होगी, ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, तो फिर 25 एज लिमिट जो हाईएस्ट 25 ईयर से आप ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स की 25 ईयर से आप कम होनी चाहिए, ठीक है। और आप मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाएगी, आप लोग सिलेक्शन किस तरीके से, तो एडमिशन बेसिस पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का जो एडमिशन होता है, वो बेसिकली ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप लोग एडमिशन के लिए कुछ भी अलग करिकुलम नहीं चाहिए होता है, मीन्स कि आप लोग अगर 12th किए हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स की तरह बीटेक मरीन कोर्स भी कर सकते हो, बट बीटेक मरीन कोर्स करने के लिए क्या है कि रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि बीटेक मरीन कोर्स जो है उसकी वर्क प्रोफाइल अलग है, इसकी वर्क प्रोफाइल अलग है, ठीक है। बट इस कोर्स को भी आप कोर्स कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि बीटेक मरीन क्या, वो जो बीटेक मरीन कोर्स है वो मरीन इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है, वो मरीन इंजीनियरिंग है, तो उसका जॉब प्रोफाइल अलग है, इसका जॉब प्रोफाइल अलग है, उसकी सैलरी अलग है, इसकी सैलरी अलग है, तो सारा का सारा कुछ हर कुछ दोनों का डिफरेंट है। तो कुछ कोई भी स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज मत होना इस कोर्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि मोड ऑफ सेलेक्शन का ये है कि आप सिंपल सा जो एग्जाम देते हो, जो भी आप कॉमन एंट्रेंस देते हो, जो कॉलेज का जो प्राइवेट एग्जाम होता है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉलेज अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। दिन नहीं तो आप IMU के एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, जो गवर्नमेंट कैंपस है IMU के, वहां आप लोग जा सकते हो IMU के थ्रू। और उसी के साथ प्राइवेट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल होते हो। उसी के साथ साथ आप JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ इस कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। JEE मेंस के थ्रू भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारी कॉलेजेस है जो आप लोग को एडमिशन प्रोवाइड करा देती है, तो आप लोग JEE मेंस के थ्रू भी आप अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इसी कोर्स में फ्रेंड आप लेटरी एंट्री भी कर सकते हो, मींस कि लेटरी एंट्री भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने एक साल अगर आपने डिप्लोमा किया, या फिर अगर आपने बीटेक किया है सिविल मैकेनिकल से, या फिर मरीन इंजीनियरिंग से, या फिर कोई भी अगर आप अदर कोर्स है, या फिर अगर आपने BSc किया है, सपोज आपने BSc किया है, तो फिर BSc करने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन BSc अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है, फिजिक्स से किया है, तो आप अगर आपके पास 60% है, देन आप एलिजिबल उस कोर्स को सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेटरी एंट्री में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश रिटन स्किल वगैरह अच्छी होनी चाहिए अगर आप BSc करके आते हो, तो इस चीज को आप लोग नोट करना, ठीक है। और एडमिशन का प्रोसीजर सेम है कि भाई कॉलेज जो सबसे पहले अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा, देन एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, डिपेंड करता है कॉलेजेस पे, बहुत सारे कॉलेजेस अपने इंटरव्यू लेता है, बहुत सारा कॉलेज जो इंटरव्यू है फॉर्मेलिटी लेता है, और बहुत सारा कॉलेज जो है वो इंटरव्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, उस टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो फ्रेंड जॉब अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद आप इंडियन नेवी में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जा सकते हो, ठीक है। उसी के साथ फ्रेंड बहुत सारा जो अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जो सबमरीन कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ठीक है, एंड जो कह सकते हो डिजाइनिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोलिंग हो गया, जो शिप्स की रिपेयरिंग होती है, वो उस टाइप्स की जॉब वगैरह हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया,
तो इस टाइप का बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे कंटेनर होते हैं, बहुत सारे शिप्स होते हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें उसमें डिजाइनिंग की जरूरत होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है, तो वो सब उन सब चीजों को कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर करना, जो छोटे छोटे शिप्स होते हैं, टग बोट्स होते हैं, जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, तो उन सब टाइप की जब, या फिर जो भी ऑफशोर जो शिप्स वगैरह होती है, जो कंपनी सब होती है, तो उन सब की जो रिपेयरिंग होती है वो सब आप लोग कर सकते हो। मीन्स ये कोर्स करने के बाद आप उस वर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब प्रोफेशन है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। पोर्ट्स एंड पोर्ट्स पे भी आप वर्क कर सकते हो, क्रूज शिप पे भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। एंड और सभी पैसेंजर शिप्स है और कंटेनर रो रो है, ठीक है। तो शिप्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए, रिपेयरिंग हो गई, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स है और ऑयल से रिलेटेड, ऑयल से भी रिलेटेड इस पे वर्क है, तो ठीक है। इस पे जॉब प्रोफाइल अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको देना अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ एग्जाम लेने के लिए, मैं अगर बताऊँ तो एग्जाम लेने के लिए यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप 12th के बाद तो एलिजिबल हो ही जाते हो इस कोर्स को करने के लिए। बट ये समझ लो कि अगर आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो अदर कोर्स के मुकाबले में ईजी होता है। मीन्स कि आप ये समझ सकते हो कि अदर जो कोर्सेज है मर्चेंट नेवी की, जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, बीटेक मरीन कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस है, ठीक है, जीएमई कोर्स है, उस कोर्स के मुकाबले में ये कोर्स तो ऑब्वियसली इजी है, क्योंकि इस कोर्स में जो है आप कह सकते हो कि भीड़ बहुत कम है। मींस कि बहुत कम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मार्केट, जो कॉलेजेस है, जो इंस्टीट्यूट है, उसके पास जो लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर कोर्सेज के लिए जो बहुत कॉलेजेस के अंदर में जो लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, बट उस लिमिटेड सीट में आपकी एडमिशन मिल जाएगी, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आईएमयू के विशाखापट्टनम कैंपस में आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे लाइक एमएटी यूनिवर्सिटी वगैरह, वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो फ्रेंड मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है जो इस कोर्स को, जैसे कि आईएमए है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि आप जिस टाइम पे ये कोर्स कर रहे हो उस टाइम पे वो कॉलेज की प्लेसमेंट सही है कि नहीं। आप जो भी कॉलेज से कर सकते हो, वो कॉलेज जो है वो सबसे पहले ट्राई करो कि आप आईएमयू के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाए, आईएमयू के थ्रू आप एडमिशन ले लो, आईएमयू कैंपस में ले लो, ठीक है। तो ये समझ लो, ठीक है। एंड ये चीज आप लोग नोटिस कर लेना कि यार जो भी कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो कॉलेज जेन्युइन है कि नहीं, वो कॉलेज सही है कि नहीं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्योंकि मर्चेंट भी फील्ड में, शिपिंग फील्ड में प्लेसमेंट के अलावा शिपिंग फील्ड कुछ भी नहीं है। मीन्स कि आपकी डिग्री की वैल्यू तक नहीं होती अगर आप लोग को जॉब नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो शिपिंग फील्ड बहुत ही अलग कह सकते हो कैरियर ऑप्शन से, अगर आप इसमें जा रहे हो तो आप लोग ये चीज हमेशा श्योर कर लेना 100% कि आपकी जॉब की गारंटी है कि नहीं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, तो वो कॉलेज आज के दौर में हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज अपने वेबसाइट पे 100% जॉब गारंटी लिखता है, बट वो प्रोवाइड नहीं करा रहा होता है। तो आप पहले रियलिटी पता कर दो, ठीक है, देन आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन ले लिए तो कॉलेज फीस रिफंड नहीं करती है, कॉलेज आपका एक भी रुपया रिफंड नहीं करेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है आपके पास, फिर आपको फिर जॉब की गारंटी भी नहीं रहती, फिर आपके पास वही होता है कि आप फिर आप ब्रोकर के चक्कर में पड़ जाते हो। अगर आप लोगों को इस कोर्स को करना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक्चुअली में इस कोर्स को लेके, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब में वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से एडमिशन होती है, क्या क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। तो यार उम्मीद है इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों का सारा डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और मर्चेंट नेवी से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।